करंट की चपेट में आने से बैल की मौत, भद्रापारा क्षेत्र में सामने आई घटना, देखें ये रिपोर्ट। कोरबा के बालकुनगर में करंट की चपेट में आने से एक बैल की मौत हो गई। भद्रापारा इलाके में ये घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कदम चौक के पास एक ट्रांसफार्मर है, वहीं पर बैल मौजूद था जहां पर खंभे में करंट का प्रवाह था और उसी में बैल चिपक गया जिससे उसका अंत हो गया। इस घटना के बाद वार्ड के लोग काफी डरे हुए है। करंट के चपेट में आने से एक बैल की मौत हो गई। मामला बालको थाना क्षेत्र का है जहां भद्रापारा स्थित कदम चौक पर यह घटना घटी। बात सामने आई है कि कदम चौक पर एक ट्रांसफार्मर है जिसके पास मौजूद खंभे पर करंट का प्रवाह हो रहा था, उसी की चपेट में बैल आ गया जिससे उसका अंत हो गया। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोग काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि बिजली विभाग को इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घट सके। कल भी दो गैया आई थी भैया, उसको मैं हटाया हूँ, भगाया था और अभी सवेरे तो शॉर्ट सर्किट हुआ है तो सो के अभी उठा हूँ तो देखा हूँ कि गैया चिपक गई है बोल के। फिर उसको भगाने की कोशिश किए हैं, यहाँ सब स्टेशन फोन करके बंद कराए हैं लाइट को, तब तक उठी है गैया और चिपक गई। तो गैया मर गई क्या? मर गई है। हाँ, इससे पहले भी और यहाँ पे घटना हुआ था, कल शाम को हुआ था भैया ऐसा। फिर हाँ, कल शाम को हुआ था, दो गैया को हटाया था, भगाया था यहाँ से मैं। हाँ, फिर आज सवेरे सवेरे ऐसा हो गया। क्या मानते हैं, किसकी गलती मानते हैं इसमें? अब भैया तो बिजली वाले कहीं लापरवाही है। अब देखिए पूरा वायर वगैरह पूरा खुला खुला है और बिजली वाले आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। अब यहाँ पे तार सब खुला खुला है। तो आप लोग नहीं बोले उनको कि ऐसे तार खुला छोड़ दो, इसको थोड़ा ठीक करो करके? अब उसको तो देख ही रहे हैं भैया, सभी देख रहे हैं खुला तार। अब बच्चे लोग भी खेलते रहते हैं यहाँ पे, अब समय पर बच्चे लोग भी घर आ जाते हैं तो मना करते हैं, देखते हैं तो गए वही आते हैं, तो उन लोग को भी भगाते हैं यहाँ से। क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे भैया इसको तो ऐसे करके घिरवा देना चाहिए, इसके लिए सेपरेट जगह रहना चाहिए।